हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये क्या कहते हैं, लाइट आ गई थी तो पानी भी आ गया है, वो देखे मैंने भर लिया। तो ना मैं सोचूँ अब आप लोगों के लिए ना इसकी जो शेप्स में थी मैं कर देती हूँ, वो टेक्चर है जो कि पूरी क्लीनिंग जो हमने की थी ना छत की, तो उसका ये टेक्चर है। अब तो फिलहाल फिर से क्लीनिंग करने वाला हो गया, लेकिन फिलहाल के लिए एक टब का थोड़ी बहुत शेप्स निकल जाएंगी। और ये थोड़ा सा और जो मैंने अभी सुबह किया था तो इसको भी मैं ना स्ट्रेनर से छान के अच्छी तरह तो उसकी शेप्स बनाते हैं। तो मैं ये कैमरा ट्राइपॉड पे लगा लूँ तो फिर आप लोग इजीली जो है ना लाइव बगैर देख सकेंगे शेप्स मेकिंग। यहाँ से ना थोड़ा सा कर दूँ भाई, इसके अंदर भी डस्ट ऐड होगी, इसको भी दफा ना करूँगी जो ढक के थोड़ा सा। तो इसके अंदर ना देखें उस रात को पड़ती है ना, तो ये देखें इसके अंदर खुद बहुत ये गीला हुआ है, इतनी डस्ट है ना इसकी, इसकी डस्ट है वैसे। इसको हम साइड पे करते हैं जो गंदा है। ज़रा इधर आना सालिक, इधर आना जल्दी, ये ज़रा पास करो डस्टबिन। ये जो ये मेरा इसलिए ये ब्लैक ब्लैक है क्योंकि अगर आप लोग मेरे पिछले व्लॉग्स देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितनी काला काती है पुरुषा पर, जिसकी वजह से ये बार बार ये आ जाता है, ये खालक खालक खा जाती खालक सालक कालक तेरे नाम के साथ मिलता है। अच्छा इसमें तो निकल ही जाना है, वैसे मैंने ये सारी साफ की हुई हुई की हुई है। वर्ड्स ही खराब होते जा रहे हैं, बन भी रही है वीडियो की बन रही है। अच्छा पहले ना मैं इसको कर लूँ, कोई मैंने ना माइक नहीं लगाया क्योंकि माइक के झंझट में पड़ी ना तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाए। दरअसल ना ये सिर्फ काला ही है, इसके अंदर डस्ट नहीं है, इतनी डस्ट कह रही हूँ, सैंड वगैरह या कोई और टेक्सचर नहीं है। अभी थोड़े दिन तो हुए थे मैंने जो सारी डस्ट लिया, कहाँ कर रही हूँ कुल्लू नहीं है अभी। ये देखें सारा चारकोल, अगर मैं चारकोल ना ये डाल भी लूँ लेकिन मैं नहीं डाल सकती क्योंकि इसके अंदर ना ये क्या कहते हैं, ये पता नहीं क्या कांटे वाले कांटे वांटे पता नहीं कहाँ से आ गए, ये भी साथ ही आ गए छोड़ो के, इसलिए ये चारकोल मेरे किसी काम का नहीं है। थोड़ा ही करते हैं फिर ज़्यादा चारकोल ही जाएगा। वैसे सारा ही साफ़ है, मैं अपनी पूरी वर्क प्लेस साफ़ सुथरी ही रखती हूँ लेकिन ये डेट आ जाती है फिर। चलें अब हम करते हैं एंगल चेंज, क्योंकि मैंने यहाँ पे शेप्स नहीं बनानी, मैंने बनानी है यहाँ इस बार के साथ बनानी। ये भी निकाल दो डाल, अब मेरा भाई मेरे से काम करवा रहा है क्योंकि इनको खेलने का अगर कोई काम नहीं, मैं इसको खींच के लेके निकला और तुम जो वेले घूमते रहते हो। इसमें मैं ना पहले पानी कम ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये देखें फिर भी आ ही गया, ये देख ये नज़र नहीं आ रहा, टेक्सचर कम चारकोल ही लग रहा है। वैसे अच्छा है, स्कैपर किधर है? अभी भी चल रही है वो, इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। वो कांडी किधर पड़ी हुई है मुझे मिल नहीं रही, कहाँ रख गए थे? होप सो के जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की थी उनको ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। इसको अच्छे से हम करते हैं मिक्स। हो मेरी शेप ख़राब करनी है, साइड पे पड़ी है शो हमारी जो ना ये फ्लोर है ना ये बड़ा हुड्रस है, तो इसलिए मैं इसके साथ इसके हेल्प से मिक्सिंग कर रही हूँ। थोड़ा सा और डालते हैं,
इतना मुझे दुख हो रहा था, मैंने मेरे दोनों भाइयों ने मिलकर व्लॉग बनाया था, काफ़ी दिन हो गए हैं तो ना शेप्स मेकिंग का, टेक्सचर्स ड्राई नहीं हो रहे थे तो क्रमली कैसे करती, इसलिए मैंने कहा कि शेप्स मेकिंग का बनाती हूँ। वो भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप शेप्स मेकिंग करें। कितना लाइट वेट है, मुझे लग रहा मेरा कुछ अलग ही है ना, बाकी इसमें आर्टिस्ट का नहीं ऐसा होता, इतना लाइट वेट। ओके जल्दी ड्राई हो जाएगा। अच्छा शेप भी मैं यही ले लेती, मैं यही लेके आई थी सिलेंडर वाली। दो यही वाला ले लेना, पानी सारा डाल दो इसमें, वाटर ज़्यादा ही डलता है उसमें। थैंक्स हैंड मैं, थैंक्स हैंड। थोड़ा शोर कम करो, इसमें मैंने पानी इसलिए थोड़ा डाला क्योंकि जब वो रात को पड़ती है ओस ऑलरेडी ही हो जाता है हार्ड टेक्सचर। वैसे भी इतना नहीं है कि मैं इसको वीडियो में क्रम्बल कर सकूं, जहाँ तक मुझे लगता है। कहाँ निकालूं ब्रश, ही तुमने गायब कर दिया। ब्रश मैं लेके आती हूँ, जी मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ, शेप्स नज़र आ रहा है। यस इसको टैप टैप करके अच्छे से शेप को अच्छे से साफ़ कर लूँ, ताकि ना फिर साइडों पे वो गिर जाता है, जो कि मुझे मैसी नहीं अच्छा लगता। ठहरो ज़रा, नीट एंड क्लीन शेप्स निकलेंगी। मुझे ना इस तरह मुश्किल हो रहा है, मैं यहाँ पर रखती हूँ कैमरा पे। इसमें काफ़ी मल्टी ऐड है तो ये यकीनन हो ही जाएगी बाइंडिंग इसकी अच्छे से, अच्छे से मिक्स करेंगे। तोबा हाँ जी, ये वाली नहीं, कोई और बना लो, कोई और बना लो। बहुत जल्दी शेप्स बना लो, वो जैसी सारी बनानी, ये भी बनी हुई है, कोई सही सी लेके आना। चलो यही बना लो, काम मेरे पास में तो सही शेप ही मिलती। बड़ा पानी मुझे भी दो, खत्म हो गया। ये ना बड़ा मज़े का लग रहा है, वक्त मज़े रह कर आया, लेकिन ना मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, कभी कहीं घुमाते हैं कभी कहीं घुमाते हैं। मैंने ना वाइट कपड़े, लगता है इनका कबाड़ा होगा आज, अच्छी खासी डांट पड़ी। जो मैंने पूरे छत की है थोड़ा सा आराम आराम से, चलो गाड़ी लोग लो भी है। और निकल जा भाई, डेट गई कवे हुए टूट गई।
आज निकली थी ना धूप, तो मैं आज बिना ग्लव्स के बना रही हूँ। अभी भी है सामने, अपन खुश है, अच्छा तो मैं ही नहीं, सब लोग खुश हैं, तो शुक्र है आज सूरज ने अपना मुँह तो दिखाया। पानी नहीं दिया तुमने, चलो कोई बात नहीं, मैंने तो मुझे लग रहा ठीक किया, ठीक है। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बताना था कि जिस जिसने अभी तक मेरी इंस्टा आई डी फॉलो नहीं की, वो जल्दी से जाकर फॉलो कर लें, गोल्डन स्टार स्मार्ट, वहाँ पर भी आपको मज़े मज़े की वीडियोज़ जो हैं मिलेंगी देखने को, शॉर्ट वीडियोज़, तो जल्दी से जाएँ फॉलो कर लें। ओहो, पानी टॉमा पान टूट गया, ये पानी थोड़ा ही है, मुझे डर लग रहा है ना कि बाद में ये हार्ट बोल रही है, क्योंकि रात को ना बारिश टाइप का होता है सीन बहुत ज़्यादा जो है ना, वो रात को पड़ती है, इसलिए मैं अपने टेक्सचर्स को ना ढक के देती हूँ, कवर करके अच्छे से। मेरे काफ़ी टेक्सचर्स हैं, वो दो टेक्सचर्स हैं, काफ़ी नहीं काफ़ी हैं, लेकिन वो बनाने वाले, लेकिन जो बने बने हैं ना, बने पड़े हैं, उनको मैं इसलिए निकाल रही, क्योंकि यही चारकोल जो है पाउडर जो है उनका कलर खराब हो गया। गोल्डन सैंड है, उसको भी मैंने ऐसे ही रख दिया, थोड़ी सी ना हार्ड हो जाती थी, उसको कवर भी कर लेते, उसका लिक्विड सेपरेट कर दिया, लेकिन उसके बाद में उसकी शेप नहीं बनाई अभी तक। मौसम जल्द से ठीक होगा ना, मगर तो और धूप निकलना शुरू हो जाएंगे, फिर मैंने उसको निकाल लेना, फिर दोबारा उसको ट्राई करूँगी कि अभी तो नहीं हार्ड होता, मैं और जो है ना बनाऊँगी। कौन अपने बर्तन बना रहा है? अच्छा जी, ये बहुत बड़ा ही हो गया, पहले मैं ये शेप्स बना लूँ, देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ना अब ये मैंने शेप्स बना दी हैं, और इसके ऊपर ये जो टेक्सचर पड़ा हुआ है ना मेरा ब्राउन सैंड वाला, इसके ऊपर इसकी थोड़ी सी पॉलिंग कर दी है, वो कल उसकी क्रम बनती है, तो ये इतनी सी बस बनी है। चेक करें ज़रा कितना शोर है भाई। अच्छा जी जनाब, अब मैं इन सब टेक्सचर्स को कवर कर दूँगी जो जो हो सके, ठीक है। वो मैंने कुछ शेप्स बना दी थी उसकी, हॉल शेप्स, और ये टेक्सचर्स को अभी मैं कवर करके रख देती हूँ, क्योंकि इसको अच्छे से इसको ना स्टेन करके ना चांद चून कर, तो उसके बाद इसको वॉश करूँगी। मेरा दिल ऐसे नहीं कर रहा कि मैं इसको ऐसे यूज़ करूँ, तो आप लोगों को भी कभी कोई भी टेक्सचर मिले तो उसको ना वॉश कर लिया करें। ये देखिए नील पेंट ही उतर गई सारी बना के, और अब मैं सोच रही ना किस टेक्सचर की जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, पर कोई टेक्सचर ड्राई नहीं है, ये सब इस सब वेट है, वेट, ये तो प्रॉपरली वेट ही है ना, वो वाला भी, और ये वाला थोड़ा सा मुझे डैम टेक्सचर लग रहा है, तो इसकी मैं वाटर क्रमनिंग जो रिक्वेस्ट आई थी वो कर दूँगी। अल्लाह, ये पीछे किसने गिराया हुआ इतना, इसको भी कवर करना है। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, आज कोई क्रम्बलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी एंड पर, थोड़ी सी आप लोग भी कहेंगे क्या इतनी सी क्रम्बलिंग करके आसान किया है हम पर, तो यार मेरी मजबूरी को समझें। अब हो गई है शाम, मैंने जल्दी से नीचे भी जाना है, ये प्योर सैंड के चंक्स को क्रम्बल कर लेते हैं। ये तुमने तो नहीं साले की इसकी क्रम्बलिंग, इतना ज़्यादा टेक्सचर ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सारा खट्टा भी है, प्योर प्योर सैंड बना दो, इसकी भी वैसा कर सकते हैं। मैं ना इसलिए नहीं डैम टेक्सचर की क्रम्बलिंग इतनी करी, क्योंकि मुझे कोई इतना कोई ख़ास जो है ना वो नहीं आया था, क्या उसे कहते हैं, रिस्पांस नहीं आया था आप लोगों का, कि बहन मतलब बहुत कम लोग थे, तो मैंने उसी हिसाब से फिर देखूँ ना, देखो अल्लाह से दुआ है कि धूप निकलना शुरू हो जाए। अच्छा जी, जो मेरे चैनल पे नहीं है जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें, और जल्दी से यार लाइक भी कर दिया करें प्लीज़। मैंने तो ऐसी चंक सारी वीडियो में कर ली है व्लॉग में क्रम्बल, चलिए यार आप लोगों के लिए तो फिर क्या करना, दुख खा लेते हैं हम इसकी, मैं कल आके शेप्स बना जाऊंगी, अभी तो फ़िलहाल थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, इस टेक्सचर की भी मैंने शेप्स बनाई हैं।
ये ड्राई हो जाए भैया, तू ही ड्राई हो जा, तेरी कर लूँ मैं क्रिमिनिंग, ये भी नहीं होने का नाम ले रहा। अच्छा जी, अपना रखें, बहुत सारा ख्याल, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। गंदे हाथ हो गए मेरे, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।